नमस्कार दोस्तों, बाइक वाला सुबिन है। मैं सुबिन है, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज का वीडियो में जो है आपको बारीकी से बताएंगे कि आपका TVS XL हैवी ड्यूटी का या TVS XL का जो मॉडल आपका होता है उसमें जो स्पार्क प्लग होता है उसको किस टाइप से आप घर में ही साफ कर सकते हैं, मतलब जो स्पार्क प्लग को है टोटली तरीके से आपको क्लीन कर सकते हैं। आपको बारीकी से समझाएंगे प्रॉपर प्रोसेस, सो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और आपका अगर कुछ भी कमेंट हो तो वीडियो के लास्ट में जब आपका कमेंट बॉक्स में है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सो पहले आपका जो मेन प्रोसेस है वही क्यों करते हैं। सो गाइस, प्लग साफ करने के लिए आपका मैक्सिमम जो सामान है आपका टूल किट में ही मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको जो चाबी से है पहले आपको इस टूल किट को ओपन करना पड़ेगा। और टूल किट में पहले आपको दिखा दे रहे हैं कि क्या कुछ सामान यहाँ पर आपका मिलता है, उसके बाद आपका साफ करने की जो प्रोसेस है आपको दिखाएंगे। मैं टोटल चीज़ों को एक भी छोड़ना नहीं चाहता, मैं आपको डिटेल से समझाना चाहता हूँ, इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर आपका मिलता है पहले जो आपको टूल किट दिया जाता है। इसमें आपका एक इस टाइप का देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर मिलता है, 4 वे वाला आपको एक स्क्रू ड्राइवर होता है और एक 2 वे वाला आपका स्क्रू ड्राइवर होता है। ये वाला देख सकते हैं आपका एक 2 वे वाला है और एक 4 वे वाला है। जिस टाइप का आपका जिस जगह पर लगेगा उस हिसाब से आपका यूज़ होता है, ज़्यादातर ये आपका कोई टाइट वगैरह काम करने में यूज़ होता है। उसके बाद आपका रेंज दिया जाता है, इसमें आपका 10 नंबर और 12 नंबर का एक रेंज दिया जाता है और 14 नंबर और 17 नंबर का एक रेंज दिया जाता है। उसके बाद आपका आता है जो मेन चीज़ जिसमें से मैं आपका प्लग ओपन करूँगा, ये प्लग ओपनिंग वाला और बोल्ट टाइट करने वाला, नट बोल्ट टाइट करने वाला एक आपका होता है जो स्क्रू ड्राइवर है उस टाइप का, रेंज बता सकते हैं इसे। और दूसरा जो चीज़ है मैं ये वाला जो आपको दिखा रहे थे साइकिल का टाइट करने वाला है, साइकिल का जो नट बोल्ट होता है वो टाइट करने वाला है, मैं इसका कुछ काम में लाने के लिए इस यहाँ पर रखा हूँ। बेसिकली यही सब चीज़ है। और एक पुराना प्लग रहता है मेरे पास, इसका यूज़ क्या होता है उसको आपको बता देंगे आगे चल के। सो बेसिकली इसके बाद आपको इस जगह को ओपन करना पड़ेगा, ये वाला जो जगह है इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। मैं पहले से इसको ओपन करके रखा हूँ, इसको इस टाइप से रखा लगाया जाता है, उसके बाद इसको इस टाइप से ओपन किया जाता है। और ये वाला जो प्लग ओपनिंग वाला आपका रेंज होता है, रेंज से आपको इसको खोलना पड़ेगा। थोड़ा सा ओपन करने के बाद हाथ से ही आप ओपन कर पाएंगे। सो ये बेसिकली आपका प्लग है और इस प्लग को अभी मुझे साफ करना है। सो गाइस, मेरे पास इस गाड़ी का ये स्पार्क प्लग है, देख सकते हैं। इस स्पार्क प्लग को आज मुझे साफ करना है। इसके लिए बेसिकली मुझे 2 चीज़ों का ज़रूरत होगा, एक आपका है एक ब्लेड का ज़रूरत होगा, क्योंकि इसमें जो आपका कार्बन लगा हुआ होता है उसको ठीक साइप से साफ करना होता है। और दूसरा चीज़ आपका होता है ये आपका सूखा टाइप का कपड़ा है, आप कोई भी टावल यूज़ कर सकते हैं। मैं एक ऐसा डस्टी टावल यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादातर मैं इसे साफ़ सुथरा करने के लिए काम में लाता हूँ। आप साफ़ सुथरा भी एक टावल यूज़ कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। सो पहले इसको आपको साफ कर लेना होगा, ये जो कार्बन है पूरा इस जगह में कार्बन लगा रहता है, इस कार्बन का आपको पूरा तरीके से आपको यहाँ पर साफ कर लेना पड़ेगा ब्लेड के थ्रू, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। साइड में भी आपका बहुत कार्बन लगा होगा, उसको आपको साफ कर लेना पड़ता है। इसको चाहे तो आप थोड़ा पेट्रोल से भी साफ कर सकते हैं, अच्छी तरीके से साफ होता है। और दूसरा चीज़ है काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता। जल्दबाजी करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, धीरे सुस्ते आप काम करिएगा और देखिएगा कि एकदम प्रॉपरली वैसे आपका साफ हो। इसका साइड में बहुत कार्बन आपका लग जाता है, अगर लॉन्ग रूट में अगर ड्राइव करते हैं तो ये आपका ज़्यादा कार्बन पकड़ेगा, या आपका जो मोबिल होता है मोबिल और पेट्रोल का जो कॉम्बिनेशन में है उसके चलते भी कुछ कारण आपका हो जाए। अगर आप ज़्यादा मोबिल यूज़ ना करते हों या आपका ऐसा कोई रोड में चलाते हों कि उसमें ज़्यादा आपका जो कार्बन है या आपका जो डस्ट है वो ज़्यादा पकड़े आपका इंजन में, तो इस वजह से भी आपका होता है, क्योंकि स्पार्क वाला जगह है। और दूसरा आपका है कि इंजन में जो आपका हल्का ऑयल रहता है, ऑयल जो आपका है थोड़ा बहुत भी इसमें आपका आ जाता है आपका स्पार्क प्लग में, तो इसके चलते भी आपका जल्द से जल्द आपका डस्ट होता है। फिर आपका एक जब ये स्पार्क होता है तो कुछ हद तक ये आपका इसमें जो कार्बन है आपका पकड़ता है इसमें, यही सब बात है।
इसमें एक आपका जगह होता है एकदम बीच पॉइंट में। देखिए यहाँ पर आपका जिस जो इसमें जो जगह है, इस जगह से आपका ये टच नहीं होना चाहिए, हल्का सा आपका गैप होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि किसी वजह से ये वाला दोनों जो पॉइंट है आपका टच हो जाता है, जिसमें जो प्लग है प्लग आपका ठीक टाइप से काम नहीं करता। ये आपका बेसिकली एक प्रॉब्लम होता है। देखिए आपका पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है अब, और इसको अभी साफ़ हो जाने के बाद इसको थोड़ा साफ़ कर लेना पड़ेगा कपड़े से, किसी भी आपका कपड़े से ठीक टाइप से साफ़ कर लीजिए, या आपको इस जगह के जैसे आपका कपड़े को डालकर घिस लेना पड़ेगा। जो पॉइंट है मैंने आपको दिखा रहे थे मुंह वाला जो पॉइंट होता है, उसको एक बार ठीक तरीके से साफ कर लीजिए। पेट्रोल से भी अच्छा आपका किया जा सकता है। सो ये आपका जो प्लग है ये अभी आपका क्लीन हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं ज़्यादातर आपका जो टूल किट में है दो प्लग यूज़ करता हूँ। ये वाला एक सेकंड प्लग है, इसको मैं यूज़ करता हूँ, और ये वाला मेरा एक्चुअल प्लग है, और दूसरा प्लग भी मैं अपने साथ ही रखता हूँ। इसको दो प्लग एक साथ रखने का यही कारण है दोस्तों कि कभी मान लीजिए कहीं पर गए और मेरा प्लग गुम हो गया, या किसी कारण से मेरा जो ये प्लग है ये प्लग शॉर्ट होकर ये कट गया, मतलब जो इसके वो कोई काम में नहीं आया, तो मैं दूसरा जो प्लग है उसको वहाँ पर डालकर मैं गाड़ी को फिर से मैं रिस्टार्ट कर सकता हूँ वहाँ से ही। और एक जो दूसरा चीज़ है, कभी कभार जो बारिश का मौसम में आता है इसमें पानी चल जाने के कारण से जो इंजन में है, कभी कभार जो आपका अगर रास्ते में थोड़ा आपका ज़्यादा पानी बहता रहे तो उस टाइम में अगर आप वहाँ से रोड क्रॉस करेंगे और पानी अगर आपका इंजन में आ गया तो उसके वजह से भी प्लग में कभी कभार शॉर्ट हो सकता है, इसके वजह से प्लग कभी कभार ख़राब हो जा सकता है। तो इसके चलते ही मैं दो प्लग आपका यूज़ करता हूँ। अब इस प्लग को साफ हो जाने के बाद उसको वहाँ पर आपका फिर से मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ। सो साफ हो जाने के बाद गाइस आपको देखना पड़ेगा कि ये जो गाड़ी है आपका ठीक टाइप से चल रहा है कि नहीं, एक बार स्टार्ट देकर देखना पड़ता है। सो मैं यहाँ पर एक बार स्टार्ट देकर देख रहा हूँ। सो गाड़ी का जो टोटल आपका प्रोसेस है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। जो आपका प्लग हो, आपका स्पार्क प्लग हो, आपका साफ करने का जो टोटल प्रोसेस है मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। स्टार्ट डे के भी देख लिए, टोटल प्रोसेस आपका ओके है। सो अगर आप घर में आकर आपको प्लग को साफ करना पड़े, या रास्ते में कहीं चल के आपको लगे कि यहाँ पर आपको स्पार्क प्लग को ठीक करना है, तो आपको जो मैं प्रोसेस दिखाया उस प्रोसेस से आप साफ कर सकते हैं। मेक श्योर आप पेट्रोल का भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत उसमें, जैसे कि मैं ब्लेड से साफ किया था, ब्लेड की जगह पर पेट्रोल थोड़ा घिस कर वहाँ पर भी साफ कर सकते हैं, वो अच्छी तरीके से क्लीन होगा। पर पेट्रोल का यूज़ करने के बाद वहाँ पर आपको उसको अच्छी तरीके से पोंछ लेना पड़ेगा, ये सुखा लेना पड़ेगा, तो उसमें स्पार्क होता है एक्चुअली, आपको पता ही है इसमें क्या हो सकता है। सो यही बेसिकली आपका प्रिकॉशन है। रिसीव प्रोसेस में आपको जो स्पार्क प्लग है आप साफ कर सकते हैं। आपका जो ब्लेड है, ब्लेड के अलावा किसी आपका जो कैंची है या आपका जो नाइफ होता है, मतलब इसकी भी आपका यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली यही बात है आपका। सो टोटल आपका जो ये वीडियो है आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगा, तो तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।